नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रधानमंत्री ने की चुनावी अभियान की शुरुआत। यूपी में सपा बसपा गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, यूपी को लूटने के लिए दोनों दल हुए एक। उत्तराखंड के रुद्रपुर में राफेल सौदे में देरी को लेकर कांग्रेस पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस का ध्यान देश की सुरक्षा पर नहीं। असम से हर घुसपैठिए को बाहर करेगी बीजेपी। अमित शाह की असम में रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्याय योजना से अर्थव्यवस्था को नुकसान की आशंका को किया खारिज। सीपीएम ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 115 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान। अमित शाह, मुलायम सिंह यादव, जया प्रदा और अभिजीत मुखर्जी समेत कई दिग्गज मैदान में। पहले दो चरण में 1216 नामांकन वैध। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कश्मीर के हालात के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नजरिए को बताया जिम्मेदार। अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ने पर उठाया सवाल। कहा, समय आ गया है कि विशेष दर्जे से अलगाव तक की यात्रा पर लगाया जाए लगाम। आतंकी मसूद पर पाबंदी में अड़ंगे पर अमेरिका ने चीन को घेरा। सुरक्षा परिषद में फिर आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी। प्रस्ताव पर अमेरिका को फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन हासिल। चीन ने कहा, मामले में सावधानी पूर्वक आगे बढ़े अमेरिका। लोकसभा चुनाव 2019 की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने हमारा नए भारत के विजन और देश की ताकत और साहस की बात की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में मेरठ, उत्तराखंड में रुद्रपुर और जम्मू कश्मीर के अखनूर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने एयर स्ट्राइक पर विपक्षी दलों के रुख, गठबंधन की आलोचना की और अपनी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने विजय संकल्प रैली में जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता एयर स्ट्राइक के विरोध में बोल रहे हैं। अनाप शनाप बयान देने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। इसके लिए सत्ता इनके लिए जरूरी है, परिवार जरूरी है, इनके लिए देश का मान सम्मान जरूरी नहीं। ये कांग्रेस को और उसके साथियों का आखिर हो क्या गया है? समझ ही नहीं आता है कि क्या ये वही सरदार पटेल की कांग्रेस है जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दिन रात एक कर दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये वही कांग्रेस है जिसमें रहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंदुस्तान की कल्पना की थी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत की। मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, इसके साथ ही विरोधियों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के महागठबंधन को महामिलावटी गठबंधन बताते हुए कहा कि आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है तो दूसरी तरफ न नीति है, न विकास है, न ही कहीं नीयत नजर आती है। नरेंद्र मोदी ने यूपी की क्रांति धारा मेरठ से लोकसभा चुनाव के चुनावी रैली का शंखनाद किया।
मेरठ में रैली के दौरान अपने विरोधियों पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे। उन्होंने सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी को लूटने के लिए एक हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो 70 साल में गरीबों के खाते नहीं खुलवा पाए वो खाते में पैसे कहां से डालेंगे। जो लोग अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए वो कहते तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे, कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? अभी पिछले चुनाव में दो लड़कों का खेल देखा, ये दो लड़कों से बुआ बबुआ तक पहुंचने में जो तेजी दिखाई गई है बड़ी गजब है जी। भाइयों और बहनों, इन लोगों के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरठ के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना को कांग्रेस ने हथियार नहीं दिए, क्योंकि कांग्रेस का ध्यान देश सुरक्षा की बजाय मलाई खाने में लगा था। राफेल खरीद में देरी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अटल जी की सरकार ने राफेल जहाज खरीदने की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस 10 वर्षों तक उस सौदे पर बैठी रही। क्यों? क्योंकि मलाई नहीं मिल रही थी। वायुसेना की जरूरत को देखते हुए इस काम को आगे बढ़ाया और अगले कुछ महीने में ही राफेल हमारी सैन्य ताकत को मजबूत करेंगे। उत्तराखंड की रैली में प्रधानमंत्री ने वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लेकर भी अपनी सरकार के कामकाज की बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 35,000 करोड़ पूर्व सैनिकों तक पहुंचा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज असम के दौरे पर पहुंचे। अमित शाह ने असम में दो जगहों पर चुनाव प्रचार किया। कलियाबोर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि असम में रैली को संबोधित करने के दौरान जो उन्होंने बातें कही, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है तो घुसपैठियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं आपको आश्वस्त कराने आया हूं, मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, आसाम में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर हम आसाम के बाहर भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। वहीं कलियाबोर के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जोरहाट में भी जनसभाओं को संबोधित किया। जोरहाट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पुलवामा हमले का जोरदार जवाब दिया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से सांसद और आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता हरिंदर सिंह खालसा आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। जो 5 साल में मोदी जी ने जो करिश्मा करके दिखाया है उससे मैं तो बहुत प्रभावित हूँ और पंजाब के बहुत जो सीरियस संजीदा सोच के लोग हैं वो सभी बहुत प्रभावित हैं और मैं इसीलिए बिना किसी शर्त के इस पार्टी में अपनी जो भी मेरी भूमिका मेरे को अध्यक्ष जी देंगे, अरुण जी देंगे, वो मैं निभाने के लिए आया हूँ।
और अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि न्यूनतम आय गारंटी योजना देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और गरीबी हटाने में मददगार साबित होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने न्याय योजना से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की आशंका को खारिज किया। उन्होंने न्यूनतम आय गारंटी योजना को गेम चेंजर और गरीबी खत्म करने के लिए आखिरी कदम बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना का जल्दबाजी में ऐलान नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने पार्टी की सरकार बनने पर 5 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इधर लोकसभा चुनाव के लिए सीपीएम ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी की मौजूदगी में मैनिफेस्टो रिलीज हुआ। इसमें संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, किसानों, मजदूरी, महिलाओं और बेरोजगारों की बेहतरी के लिए काम करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को उपज लागत से 50% ज्यादा मूल्य दिया जाएगा, 18,000 न्यूनतम मजदूरी, गरीबों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस पर जीडीपी का 5% खर्च किया जाएगा, साथ ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। घोषणा पत्र में विधायिका में महिलाओं को 1/3 आरक्षण और राइट टू वर्क की बात कही गई है। The strength of the CPIM and the left must be increased in the 17th Lok Sabha. Thirdly, to ensure an alternative secular government to be formed at the center after the election. And this secular government not only to defend our constitutional republic, which is under severe attack. उधर समाजवादी पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अपने 5 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के ये प्रत्याशियों की 10वीं सूची है। सपा अब तक अपने 27 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नासिर कुरैशी, बरेली से भगवत शरण गंगवार, उन्नाव से पूजा पाल, झांसी से श्याम सुंदर सिंह यादव और कुशीनगर से नथुनी प्रसाद कुशवाहा को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 23 अप्रैल को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 115 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 5 अप्रैल को होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 8 अप्रैल होगी और इन सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। तेईस अप्रैल को तीसरे चरण में 115 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14-14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन दीव की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर सबकी नज़र है उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जयाप्रदा, पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम शामिल है। वहीं इस चरण में ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। गोवा में विधानसभा की 3 और गुजरात में विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव तीसरे चरण के दौरान ही कराए जाएंगे।
वहीं लोकसभा चुनाव के पहले दो चरणों के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। दो चरणों में 1216 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आयोग के मुताबिक पहले दौर के लिए 616 जबकि दूसरे दौर के लिए 600 वैध नामांकन पत्र चुनाव आयोग को मिले हैं। आयोग ने बताया कि 5 हफ्तों के दौरान 1 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल जबकि दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को होगा। आउट ऑफ द वैलिड नॉमिनेशंस 493 आर द मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर 45। सो इन टोटल वी हैव अबाउट 616 valid nominations which have been filed so far. This phase 2, the status is like this. Total nominations filed are 635 for 97 parliamentary constituencies, for which there are 95 for the recognized national parties. For the state parties, there are 16. For other registered parties, there are 214. For independents, 253. The male candidates are 538 and the female candidates are 41, totaling 600. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के नजरिए को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम विशेष दर्जे से अलगाव तक की यात्रा पर लगाम लगाएं। 7 दशकों के बाद ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या नेहरू जी का जो दृष्टिकोण था जम्मू कश्मीर पे वो सही था। उसका असर ये हुआ कि अलग अस्तित्व से यात्रा अलगाववाद की तरफ चली गई। स्वाभाविक है कि आज वक्त आ गया है कि कानून का राज जम्मू कश्मीर में भी हो, और इसलिए पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में कानून के राज की एक व्यवस्था बनी है। अलगाववाद की जड़ जहां से पैदा होती थी, ऐसी संस्थाएं जमायत इस्लामी JKLF पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनके सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में हैं, उनके दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। NIA और इनकम टैक्स बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ जो टेररिज्म के लिए पैसा आता था उसको उन्होंने उसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया है। जो लोग इस देश से अलग होने की वकालत करते थे उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है, और जनता के लिए एक शांति का माहौल एक बार फिर जम्मू कश्मीर में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अनुच्छेद 35A संविधान में चुपके से जोड़ा गया था, इसका इस्तेमाल राजनीतिक ढाल के रूप में किया जाता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के आम लोगों को हुआ है। अरुण जेटली ने आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों के नरम रवैये की आलोचना की। आर्टिकल 35A जिसकी बहुत चर्चा होती है, किसी संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं लाया गया था। वो अनुमति देता है कि भेदभाव कर सकते हैं दो नागरिकों के बीच में, एक नागरिक ऐसे जो वहाँ संपत्ति नहीं खरीद सकते, जिनके बच्चों को कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल सकता, जिनको सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल सकती, और जो वहाँ पर असेंबली के, म्यूनसिपैलिटी के, पंचायत के चुनाव में वोट भी नहीं डाल सकते। इसका असर ये हुआ कि जबकि राज्य के अंदर आर्थिक साधन बहुत कम हैं, बाहर से कोई आर्थिक साधन लगाने वाला नहीं था, कोई नए कॉलेज नहीं बने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, कोई उद्योग नहीं लगे, कोई इतने बड़े पर्यटन के केंद्र में कोई होटल चेन्स इस प्रकार की नहीं आई, और इसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी सुकड़ी रही, और इसकी वजह से जो नई नौकरियां, जॉब क्रिएशन होना था राज्य के अंदर नहीं हुआ। इसका सबसे अधिक नुकसान जो हुआ जम्मू कश्मीर की जनता को हुआ। आयकर विभाग के अधिकारियों और CRPF कर्मचारियों ने कर्नाटक के लघु सिंचाई मंत्री CS पुट्टराजू और उनके एक संबंधी के आवास पर छापेमारी की। आयकर विभाग की 3 टीमों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों ने मांड्या में उनके चिन्नकुरली आवास और उनके एक रिश्तेदार के मैसूर स्थित आवास पर छापे मारे हैं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कनेक्ट करो कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम के संबोधन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का आह्वान करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शहरीकरण की बढ़ती समस्या का यही समाधान है कि भारत वापस अपनी पुरानी संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़े। We are all together fighting the common challenge of climate change that threatens our planet. And as we brace ourselves to cope up with this challenge, we will have to marshal all our intelligence, knowledge, science, and understanding of nature to do that. Climate change is upon us. The best way to face the climate change is to be friendly with the nature. Love and live with the nature. जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने और उसे प्रतिबंधित सूची में डालने को लेकर अब अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने जा रहा है। अगर यूएन से प्रतिबंध लग जाता है तो जैश सरगना मसूद अजहर की विदेश यात्राओं पर रोक लग जाएगी और दुनिया भर में उसकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस के साथ साथ चीन भी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में शामिल है जिनके पास वीटो का अधिकार है। इससे पहले भी मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति में 4 बार प्रयास हो चुके हैं, लेकिन चीन ने हर बार इसमें अड़ंगा लगाने का काम किया। चीन ने कहा है कि अमेरिका मसूद अजहर को वैश्विक आतंकियों की सूची में डालने का दबाव बनाकर संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी कमेटी के अधिकार कम कर रहा है। चीन ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से ये मुद्दा और उलझ सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि हम अमेरिका से उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले में सावधानी पूर्वक आगे बढ़े और जबरन इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से बचे। इधर राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि संसदीय समितियां एक ऐसा मंच है जहां सांसद पार्टी लाइन से हटकर सच्चाई के साथ अपनी बात रखते हैं। संसदीय समितियों की बैठक और कार्यवाही को मीडिया कवरेज के लिए उपलब्ध नहीं होने को आम सहमति से लिया गया फैसला बताया। उन्होंने संसद की स्थायी समिति के कामकाज को लेकर राज्यसभा सचिवालय ने आज कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। देश दीपक वर्मा ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला संसदीय समितियों को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। राज्यसभा के महासचिव ने कहा कि कमेटी से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कानून निर्माण की प्रक्रिया में ये मूलभूत जानकारी मुहैया कराते हैं। 2 दिन की कार्यशाला में राज्यसभा के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के अलावा समिति से जुड़े दूसरे अधिकारियों ने हिस्सा लिया। The committee systems are very important. People who are working in the committee systems are very important because you are the one who provide the basic information, basic knowledge to the committee system, and as I will come later, that you can be very, very instrumental in making these committees efficient, useful and functional. राज्यसभा सचिवालय ने आज स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों ने शिरकत कर अपने हुनर को दिखाया। ये बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा ले अव्वल आने की कोशिश में जुटे हैं। राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों ने गुरुवार को यहाँ आयोजित ड्राइंग, पेंटिंग समेत कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। योगा, खेल के महत्व और दूसरे समसामयिक विषयों पर छात्रों के बीच परिचर्चा का सत्र भी रखा गया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों के मनोरंजन के लिए मैजिक शो का भी आयोजन किया गया। बहुत अच्छा लगा संसद भवन में, मतलब बच्चों को प्रोत्साहित, इतना अच्छा प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम बाहर भी जाके अच्छा करें। मैंने एसे राइटिंग में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा था। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन टॉपिक पे मैंने एसे लिखा था, उसमें मैंने डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस लिखी थी और हाउ टू बी अ डिसिप्लिन पर्सन लिखा था, एंड आई ऑल्सो रोट अबाउट इनडिसिप्लिन पर्सन। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब दूसरी बार आया था मैं यहाँ पे। वैसे तो कॉन्फिडेंस लेवल को पता चला अपना यहाँ पे आके, अभी और मेहनत करनी है। अभी यहाँ पे आके सबके सामने बोल गए, काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा नर्वस हुआ पर अब कॉन्फिडेंस पे काम करना है।
1995 से राज्यसभा दिवस के मौके पर हर साल इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। राज्यसभा सचिवालय क्लब के अध्यक्ष का कहना है कि इस तरह के आयोजन का मकसद बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाना है। राज्यसभा दिवस की पूर्व संध्या के हिसाब से हम लोग उन बच्चों को ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन है, ऐसे राइटिंग है और डिबेट कंपटीशन है, इस तरह से उनके कंपटीशन कराकर उनको पुरस्कृत किया जाता है, जिससे कि उनका भी मॉरल एक अप होता है और इंस्टीट्यूशंस में उनके पेरेंट्स किस परिस्थिति में और कहाँ काम कर रहे हैं उसको देख के भी उनके अंदर एक नया जज्बा पनपता है, तो इसलिए हम इस प्रोग्राम को आयोजित करते हैं। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा वजूद में आया था, लिहाजा हर साल 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। अप्रैल में राज्यसभा डे पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। मोहम्मद फातेह, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।